अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफा, जुलेखास किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह मस्त हूँ। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ, बड़ी एक्साइटिंग डिश बना रही हूँ आज मैं। हांडी रेशमी चिकन ग्रेवी, बहुत ही मजेदार बनती है। मैं हांडी में बना रही हूँ, आप अगर पतीली में बनाएंगे तो आप इसे क्या कहेंगे, रेशमी चिकन ग्रेवी। टेस्ट वही रहेगा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, नाम के ऊपर नीचे होने से टेस्ट वही रहेगा, डिफरेंट नहीं होगा। तो चलिए आज बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए सबसे पहले 15 काजू को मिक्सर जार में डालिए, 3-4 हरी मिर्चियां डालकर, थोड़ा दूध डालकर बहुत अच्छा बारीक पीस लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। एक मीडियम साइज की प्याज और एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च को मोटा मोटा लंबा लंबा काट कर इसे भी साइड पर रख दीजिए। यहाँ पर मैंने धोई हुई आधा किलो चिकन ली है बोनलेस, इसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स किए हैं इस कदर। अच्छा, ये थाई पोर्शन है, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, मैंने 1/4 चाय का चम्मच डाला है। सबसे पहले वो डालकर मिक्स कर लीजिए, उसके बाद कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च डाल दीजिए तकरीबन 4 टीस्पून भरकर, और रफली हल्के हाथों से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साइड पर तेल चालू कर दीजिए गर्म पर, हल्का तेल गर्म हो जाए तो चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और ये जो चिकन के पीसेस है इस तरीके से सारे ड्रॉप कर दीजिए। आप चाहें तो 2 बैचेस में बना लें, मैंने तो एक ही साथ सारे छोटे छोटे खुले खुले करके डाल दिए थे। इन्हें बार बार थोड़ा चलाती गई और थोड़ा साइड्स में ऐसा स्पेस करके सारे डालती गई। अब इन्हें तकरीबन 6-7 मिनट तक मीडियम आँच पर पकने दें, उलट पलट करते जाए। जब 6-7 मिनट हो जाए चेक कर लीजिए, अगर गल गए हैं तो इसे फास्ट आँच करके उलट पलट करते हुए गोल्डन स्पॉट्स आ जाए वहाँ तक ही फ्राई करें, और बाकी जब गोल्डन स्पॉट्स आ जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए। सेम वही तेल के अंदर थोड़ा सा वो जो हमने साइड पर रखा है प्याज और शिमला मिर्च उनको डाल दें, बार बार चलाते रहें और 1/2-1 मिनट तक मीडियम आंच पर इन्हें भी फ्राई कर लें। जस्ट थोड़ी सी कच्ची पक्की हो जाए ना टाइप्स, जब हो जाए 1/2-1 मिनट आपके हिसाब से तो निकाल कर इन्हें भी नितार लीजिए और साइड पर रख दीजिए। मैं हांडी के अंदर बना रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल आपकी जो अभी पतीली थी उसी में ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हांडी को स्लो आंच पर चालू कर दिया, वो अच्छा गर्म हो गई हांडी, तो वही जो तेल था जिसमें हमने चिकन फ्राई की थी वही डाल दीजिए और 1 या 1.5 टेबल स्पून मक्खन डाल दीजिए। जब मक्खन थोड़ा मेल्ट हो जाए तो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे मीडियम आँच पर फ्राई करें। तब तक फ्राई करें जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। मैं मीडियम आंच नहीं रख रही हूँ क्योंकि ये जो है मेरी पतीली, जैसे आप देख सकते हैं, नॉर्मल पतीली नहीं है, मिट्टी की बर्तन है, तो वो स्लो पर ही उसे पकाना पड़ता है। यहाँ पर साइड पर जो हमने पीस के रखा था काजू वो डालकर उसे भी 1-1.5 मिनट तक भूनिए, मैं स्लो पर ही भून रही हूँ। अच्छा, 1-1.5 मिनट हो जाती है तो ये जो मिक्सर जार है उसमें मैंने 1/4 कप जितना पानी डाला और इसमें चलाकर इसमें डाल दीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आता है तो यहाँ पर मैं 3/4 काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, मिक्स कीजिए और इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाने दीजिए। मुझे थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर कम लग रहा था तो मैंने 1/4 और डाला है, 1/4 छोटा चाय का चम्मच, और इसे भूनिए इस तरीके से। जैसे आप देखेंगे कि तेल ऊपर आ चुका है तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ मलाई 1/2 कप। आप चाहे तो, मैंने ये बाजार के लिए, आप चाहे तो घर की भी ले सकते हैं। जो ऊपर वो जो दूध के ऊपर आती है ना, वो मलाई को पहले पीस लीजिएगा और फिर डाल दीजिएगा। चलिए, ये डालने के बाद मैंने 1 मिनट तक इसे स्लो आंच पर भूना। अब 1 मिनट हो जाती है तो चिकन डाल दीजिए, 3/4 कप पानी डाल दीजिए, चला लीजिए एक बार और आप मीडियम आंच पर इसे तकरीबन 1-2 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती ये ग्रेवी। अच्छा, 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से इस तरीके से क्रश करके डाल दीजिए, सूखी कसूरी मेथी, हाँ, और इसे भी मिक्स कर लीजिए। मेरा चूल्हा थ्रू आउट द टाइम, मैं बार बार कह रही हूँ, स्लो पर इसके लिए ही है क्योंकि ये नॉर्मल पतीली नहीं है और ये मिट्टी की बर्तन है। तो मैं यहाँ पर ये जो साइड पर प्याज हमने सारी ये करके रखी थी फ्राई, प्याज और शिमला मिर्च, वो भी डाल देती हूँ और इसे स्लो आंच पर तकरीबन मैं 2-3 मिनट तक पकाऊंगी। तो वो थोड़ा सा आपको लगेगा ना कि थोड़ी सी थिक होने लगी है, बस वहाँ तक ही अपने पकाना है।
मैं तकरीबन 3-4 मिनट के लिए पका रही हूँ स्लो पर, तो मैं थोड़ा ढक रही हूँ। आप चाहें तो बिना ढके भी पका सकते हैं, क्योंकि आप मीडियम आंच पर पका रहे हैं तो 1-2 मिनट में तो वो गाढ़ी हो जाएगी। चलिए, मैंने 3-4 मिनट हो गए हैं और मैंने ये खोल लिया और बढ़िया सी मज़ेदार सी हमारी चिकन हांडी रेशमी पक चुकी है। मैंने चूल्हा कर दिया बंद। अच्छा, देखा ना कितना इजी और मज़ेदार झटपट बन जाती है हमारी ये रेसिपी। इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, आने के हरा धनिया, और आप चाहें तो मेरी तरह हरी मिर्चियां भी स्लिट मारकर डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा और ज्यादा कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाला है सर्विंग करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए, मैं तो गर्मा गर्म सॉरी मैं तो गर्मा गर्म इसे सर्व कर रही हूँ रोटी के साथ। आप चाहे तो पराठा, फुल्का, बटर नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपीज मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी ये रेसिपी, लाइक जरूर कीजिएगा ये वाली वीडियो को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।